भारतीय जनता ने जिन राज्यों में सांगठनिक फेरबदल किया है उनमें बिहार भी है। बिहार में सम्राट चौधरी भाजपा की सम्राट नहीं रही, यानी उनकी अध्यक्ष की कुर्सी की मियाद खत्म हो गई है। उनकी जगह भूमि सुधार व राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल पर भाजपा ने भरोसा किया है। सम्राट का साम्राज्य छिन जाने की अटकलें तो उसी समय से लगने लगी थी जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए। भाजपा को लड़ी गई 17 सीटों में सिर्फ 12 पर ही कामयाबी मिली, 17 में सिर्फ अभी मिली। जिस मकसद से सम्राट को भाजपा ने बिहार का सांगठनिक साम्राज्य सौंपा था उस पर वे खरे नहीं उतरे। कुल मिलाकर एलकेवी मोर्चे पर फेल रहने के चलते उनकी एक साल में ही विदाई हो गई। सम्राट की कुर्सी छिन जाने का पहला और बड़ा कारण लोकसभा चुनाव में भाजपा का उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन का ना होना माना जाता है। वर्ष 2014 और 2019 में क्रमशः 22 और 17 सीटें जीतने वाली भाजपा 2024 में 12 सीटों पर सिमट गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने इसका ठीकरा सम्राट चौधरी पर ये कह के फोड़ा था कि आयातित नेताओं से भाजपा का भला नहीं हो सकता, भाजपा को अपने कोर कार्यकर्ताओं नेताओं पर भरोसा करना होगा। अश्विनी चौबे के विचार को तब उनकी निजी राय बताकर कुछ लोगों ने हवा में उड़ा दिया था। भाजपा में अब दूसरे दलों से आए नेताओं को लेकर केंद्रीय स्तर पर मंथन शुरू हो गया। केंद्रीय नेतृत्व भी अब ये बात समझने लगा है कि अपने ही काडर पर भरोसा करना सही है। भाजपा ने लोकसभा चुनाव में दूसरे दलों से आए 100 से अधिक उम्मीदवारों को टिकट देकर देख लिया है कि वे अधिक कारगर साबित नहीं हुए। सम्राट पर भाजपा ने तब भरोसा किया था जब बिहार में लवकुश यानी कुर्मी कोइरी वोटों के एकमात्र दावेदार नीतीश कुमार थे और वे महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के साथ चले गए थे। भाजपा को उम्मीद थी कि ओबीसी में खासा आबादी वाले कुशवा वोटों को अपने पाले में लाने के लिए सम्राट चौधरी मुफीद साबित होंगे, इसलिए कि वो कोइरी समाज से ही आते हैं, पर इसका कोई लाभ भाजपा को नहीं मिला। उल्टे कुशवाहा वोटर उन्हें भाजपा या एनडीए की बजाय इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवारों के प्रति विश्वास जताया। शाहबाद इलाके के पास संसदीय सीटें एनडीए हार गया। भाजपा को सबसे अधिक तकलीफ इस बात की थी कि राजपूत बहुत औरंगाबाद सीट से उसके राजपूत उम्मीदवार सुशील कुमार सिंह हार गए और राजद के उम्मीदवार अभय कुशवाहा जीत गए। इतना ही नहीं, कोइरी बिरादरी से आने वाले एनडीए के घटक राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को भी हार का सामना करना पड़ा। इससे सम्राट चौधरी की अपनी बिरादरी पर कमजोर पकड़ का राज भी उजागर हो गया। भाजपा को ये बात भी शायद अखरी होगी कि जदयू की मदद से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के तुरंत बाद सम्राट ने ऐलान कर दिया कि बिहार विधानसभा चुनाव का अगला चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। ये भाजपा समर्थकों को हतोत्साहित करने वाली घोषणा थी। उसके बाद ही अश्विनी चौबे ने कहा था कि भाजपा के नेतृत्व में ही विधानसभा चुनाव लड़ा जाना चाहिए। भाजपा ने लोकसभा टिकटों के बंटवारे से लेकर केंद्र में मंत्री पद देने में भी वैश्यों की अपेक्षा की। शायद भाजपा का ये अति आत्मविश्वास था कि वैश्य उसके ही वोटर हैं और आगे भी रहेंगे, पर इसके वैश्य समाज में व्यापक प्रतिक्रिया हुई। वैश्य समाज भाजपा द्वारा अपनी उपेक्षा का लगातार आरोप लगा रहा था। इस बीच लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद ने कुशवाहा के साथ वैश्यों को भी अपने पाले में करने की कोशिश शुरू कर दी। ऋतु जायसवाल को लोकसभा का टिकट देकर आरजेडी ने कोसी सीमांचल के वैश्यों को अपने पक्ष में गोलबंद करने की कोशिश की। विधानसभा चुनाव में इसके विस्तार का भी खतरा था। शायद यही वजह रही कि भाजपा ने कुशवाहा वोटों का मोह त्याग कर पारंपरिक वोटों पर ध्यान केंद्रित किया है। सुशील मोदी और संजय जायसवाल के बाद दिलीप जायसवाल बिहार प्रदेश भाजपा के तीसरे वैश्य नेता है जिन्हें भाजपा ने पार्टी का राज्य अध्यक्ष बनाया है।